For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. सुपर सीनियर्स जाएंगे तो कंटेस्टेंट्स को राहत मिलेगी, ये आपकी गलत फहमी है क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। ये वाले सुपर सीनियर्स जाएंगे और दूसरे सुपर सीनियर्स घर में आएंगे ताकि घर वालों की बराबर वॉट लग सके। कुछ ऐसा ही अभी तक के एपिसोड्स को देखकर समझ में आ रहा है और सोर्सेस से भी पता चल रहा है। हम आपको ये बता देते हैं कि वो सुपर सीनियर्स कौन हो सकते हैं। खुद गौतम गुलाटी ने तो ये क्लियर कर ही दिया है कि शायद गौतम आपको जल्द ही शो में देखने को मिले। गौतम का कहना था कि पहले भी बिग बॉस की तरफ से उन्हें अप्रोच किया गया था, लेकिन जस्ट बिकॉज वो अपने शूटिंग स्केड्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी थे, वो नहीं आ पाए, लेकिन अब वो शो में आ सकते हैं। गौतम ने इनडायरेक्टली अपने सोशल मीडिया के जरिए ये बात जाहिर कर दी है। लेकिन गौतम के साथ और कौन से सुपर सीनियर आपको घर के अंदर देखने को मिल सकते हैं? तो इनमें हमें शहनाज का नाम तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गली समझ में आ रहा है क्योंकि शहनाज बिग बॉस सीजन 13 की पसंदीदा कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। साथ ही गौतम गुलाटी के साथ शहनाज की केमिस्ट्री के बारे में कौन नहीं जानता भाई। गौतम शहनाज के मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट रह चुके हैं, ऐसे में अगर गौतम के साथ शहनाज की एंट्री होती है तो शो में धमाल भी मचेगा और शो में नए नए ड्रामे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वेल, ड्रामे तो तभी शुरू हो जाएंगे जब शो में शहनाज की एंट्री होगी। शहनाज खुद में बिग बॉस के लिए बड़ा तड़का है, लेकिन ऐसे में करंट कंटेस्टेंट्स के लिए यानी कि फ्रेशर्स के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा शो में अपने अस्तित्व को बनाए रखना यानी कि अपनी पर्सनालिटी को दर्शाना। अब आपको बता देते हैं कि शो में शहनाज और गौतम की एंट्री की कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन वी आर होपिंग कि शायद गौतम के साथ शहनाज ही नज़र आए। अब आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी यही चाहते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो भी हमें लिखकर बता दीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।